शॉप पे कोई सा भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुरियर बॉय आपके साथ क्या करता है और कैसे आपका पार्सल लेके आता है और आपसे पैसा भी लेके चला जाता है और आपको प्रोडक्ट देके और आपसे थैली लेके चला जाता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगली बार से आप सावधान रहना, ऐसा काम मत करना, नहीं तो आप इसमें फंस जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम हकीकत रियल बता रहा हूँ, एकदम आज ही हुआ है किसी के साथ, तो तभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने एक मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो यहाँ पे आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। अगर आप मीशो या फ्लिपकार्ट कोई सा भी प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर कर सकते हो तो आपके साथ भी कुरियर बॉय ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कैश ऑन डिलीवरी में अगर आपने ऑर्डर किया है तो ये आपके साथ ऐसा फ्रॉड होगा, बाकी अगर आप प्रीपेड में किया है तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, माय ऑर्डर पे क्लिक किया और जैसे कि मैं यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वाला प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद जिस कुरियर बॉय ने लेके आया था उसने क्या किया, मेरे से 195 रुपीज़ का पार्सल था तो 195 रुपीज़ मेरे से ले लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मतलब उसमें जो पैकेट आता है थैली जिस पर स्टिकर लगा हुआ रहता है वो वाला, वो बोला मुझे आप दे दीजिए, इसका आपका आपका कोई काम है नहीं, आपको अपना प्रोडक्ट मिल गया, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे इसका ये आप दे दीजिए पैकेट। तो वो पैकेट जो कुरियर बॉय है वो ले लेते हैं। उसके बाद आपसे एक OTP लेंगे जो कैंसिल का, तो वहाँ पर आप उनको अगर OTP दे देते हो कैंसिल का तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा मीशो पर ये जो फ्रॉड चल रहा है वो इसी पर चल रहा है। आप लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉस हो रहा है, मीशो भी लॉस में चल रहा है और मीशो के जितने भी सेलर है वो भी लॉस में चल रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड होता है और मीशो इसमें मीशो को भरना पड़ता है, जितना भी फ्रॉड करते हैं कुरियर बॉय वो सब मीशो को भरना पड़ता है क्योंकि जितना भी सेलर हैं वो लोग कंप्लेंट डालते हैं तो मीशो को पास करना पड़ता है कंप्लेन और उनको पैसा पूरा पूरा देना पड़ता है। बीच में कुरियर बॉय वाले इतना हरामी हैं जो मतलब पूरा पूरा पैसा खा जाते हैं, पूरा प्रोडक्ट का ही पैसा खा जाते हैं। जैसे वहाँ से अगर आपसे OTP लेके कैंसिल कर दिए प्रोडक्ट और उसके अंदर कचरा भर के और वापस वो सेलर के पास पहुँचा देंगे जो कि कस्टमर ने पार्सल लिया ही नहीं ऐसा बोल के, और वो मतलब रिटर्न कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला जाता है। उसके बाद आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, कस्टमर का फ़ोन आया जो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है कुरियर बॉय ने। तो फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना जो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि इस पर पूरा सभी लोगों को नज़र जाए। अगर ऐसा अगर किसी भी कस्टमर के साथ होता है तो सभी लोग ध्यान देंगे और इस बात को होने नहीं देंगे क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट ले रहे हो, बाकी कुरियर बॉय ऐसा करता है तो आप लोग भी बीच में फंसते हो। इसके लिए ऐसा आप कभी मत करना, ताकि कुरियर बॉय अगर कंपनी में लॉस चला गया तो मीशो भी बंद हो जाएगा, सेलर भी नहीं रहेंगे, आपको जितना सस्ता प्रोडक्ट मीशो पे मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग मीशो को सपोर्ट करें और ऐसा काम नहीं होने दें क्योंकि बहुत सारे रिटर्न आते हैं और वो सब रिटर्न को मीशो को भरपाई करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही अभी मीशो कितना लॉस में चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताना, अगर आप कभी भी भविष्य में होगा तो भी आप ज़रूर बताना ताकि आप